नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर पंडरीनाथ पुलिस ने मुंबई बाजार स्थित जुए के अड्डे पर दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुंबई बाजार स्थित रियाज बेग के बाड़े पर जुआ चल रहा है, जिस पर टीम गठित कर अयाज बेग के बाड़े की घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस को दो आरोपी जुआ खेलते हुए मिल गए, जिनसे 8,000 रुपये और ताशपत्ती पुलिस ने बरामद किया। वहीं एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को लगातार यहां पर जुए की सूचना मिल रही थी, लेकिन पुलिस टीम के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था, लेकिन देर रात दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कल रात को हमको मुखबिर की सूचना मिली थी कि मुंबई बाजार स्थित एजबेग का बाड़ा है, वहाँ पर चोरी छुपे मतलब जुआ खिला रहा है वो, और तभी हम लोगों ने वहाँ पर दबिश दी गई थी। तो हमको दो आरोपी वहाँ पर जुआ खेलते हुए पकड़ा है, और उसमें एक फहीम नाम का है जो मेन आरोपी है, वो स्पॉट से ही फरार हो गया है। हमको लगभग 8,000 रुपये इसमें से जब्त किए जुए की राशि। सर, इसके कहा जाता है कि लगातार इस तरह के धंधे में सक्रिय है। हाँ यस, ये हम लोग बार बार इस पर दबिश देते हैं, और कल हम लोग सक्सेस हुए इस दबिश में, जहाँ से उसे जुआ पकड़ाया। टाइम न्यूज़ देखिए